लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पीएम मोदी के नारे मोदी की गारंटी को लेकर जमकर बयान दिए थे और केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना भी की थी। अब इस मामले में कांग्रेस से ही निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पागल हो गए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। हाल ही में क्लिकधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी भी क्लिकधाम के शिलान्यास के लिए संभल गए थे। उस दौरान आचार्य प्रमोद ने कहा था कि क्लिकधाम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पीएम मोदी के हाथों से ही होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बर्बादी की वजह भी राहुल गांधी ही है, जिसके चलते पार्टी के बड़े नेता अपमानित हो रहे हैं और जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का कद घट रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बड़े नेताओं का यही तिरस्कार कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर देगा। एक समय था कि जब आचार्य प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी के विवादित बयानों को टीवी डिबेट्स में डिफेंड करते नजर आते थे, लेकिन अब वे भी भूलकर राहुल के खिलाफ बैटिंग करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी रहेंगे पार्टी कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, आनंद शर्मा, सुष्मिता देव जैसे नेताओं से यदि बात करेंगे तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी भी खुद सरवाइव कर रही हैं। आचार्य प्रमोद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है और राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी का खात्मा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तानाशाही के चलते ही बहुत से कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लेने के दौरान ही एक बार फिर आचार्य प्रमोद ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। वहीं बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह चोरों का गठबंधन है, जो एक दूसरे की पीठ से छुरा भोंक रहे हैं। यह मोदी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। जनता मोदी के साथ है, इस बार भी केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। कांग्रेस अभी भी कोशिश कर रही है कि यूपी में सपा के साथ बसपा से भी उनका गठबंधन हो जाए। हालांकि बार बार बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती से ये कह चुकी हैं कि वे किसी भी विपक्षी दलों के गठबंधन में नहीं शामिल होंगी। इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडिया गठबंधन में मायावती के जाने से सवाल पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मायावती समझदार हैं, जानती हैं कि चोरों के समूह में जाने का फैसला सही नहीं होगा। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो कि महासचिव प्रियंका गांधी वाडा के राजनीतिक सलाहकार से लेकर लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ साल 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं।